हेलो स्टूडेंट, आज हम सब लोगों का जो टॉपिक है जो पढ़ना है वो है ब्रायोफाइट्स। इसके पहले आप सब लोगों ने पढ़ा एल्गी के बारे में, एल्गी कंप्लीट हो गया तो आपको हमने ये बताया था कि जो एल्गी है नॉन वैस्कुलर थैलोफाइट्स प्लांट होती है। बट जो यहाँ पे जो ब्रायोफाइट्स है ये क्या होते हैं, एल्गी से एडवांस होते हैं। एल्गी कहाँ पाई जाती है, जल में पाई जाती है, जलीय होती है, जबकि जो ब्रायोफाइट्स है वो कहाँ पे पाया जाएगा, वो स्थल पे पाया जाएगा जहाँ पे नमी होगी, छायादार स्थान होते हैं, उन्हीं स्थान पर जो है ब्रायोफाइट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे ब्रायोफाइट्स होते हैं जो सैप्रोफाइट्स होती हैं। ठीक है, जितने प्लांट्स हैं सभी क्या हैं, ऑटोट्रॉफिक हैं, फोटोसिंथेटिक के द्वारा भोजन का निर्माण कर लेते हैं। बट कुछ ऐसे ब्रायोफाइट्स हैं जैसे बॉक्स वेमिया है, ये सैप्रोफाइट्स होती है। क्या नाम है, बॉक्स वेमिया। ये जो ब्रायोफाइट्स होता है ये सैप्रोफाइट्स है। क्या है, सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स का मतलब बताया थे कि जो फूड डेड मटेरियल से या ऑर्गेनिक मटेरियल से प्राप्त करते हैं, ऐसे जीवों को हम सब लोग क्या नाम देते हैं, सैप्रोफाइट्स कहते हैं या मितोपजीवी। तो मोस्टली जो ब्रायोफाइट्स हैं वो क्या हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, मींस स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होंगे, लेकिन बॉक्सवर्मिया जो है वो क्या है, सैप्रोफाइट्स होता है। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट करते हैं कि जो ब्रायोफाइट्स हैं हमारा ब्रायोफाइट्स ये नॉन वैस्कुलर फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक मतलब प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बना लेते हैं, मींस स्वपोषी होते हैं, और हैलोफाइट्स होते हैं। लेकिन कुछ ब्रायोफाइट जैसे हमने एग्जांपल दिया है बॉक्सवर्मिया में, ये क्या होता है, सैप्रोफाइट्स होते हैं। फिर जो हैलोफाइट्स भी हमने कहा था यहां पर नो डिफ्रेंशिएटेड रूट स्टेम एंड लीफ, जब तना पत्ती में जो है ये विभेदित नहीं होता है, ऐसे प्लांट बॉडी को हम क्या नाम देते हैं, थैलोफाइट्स कहते हैं। क्या नाम देंगे, थैलोफाइट्स कहते हैं। लेकिन यहां कुछ जो प्लांट्स होती हैं, कुछ पौधों में सभी थैलोफाइट्स नहीं होते, कुछ पौधे प्लांट्स हैं उनमें रूट लाइक स्ट्रक्चर होगा, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। बट जो ये रूट स्टेम और जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आप दिखाई देता है ब्रायोफाइट्स पौधे में, वो ट्रू रूट, ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम नहीं होता है। बट यहां पे क्या है, रूट लाइक, रूट स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है।
बट ये नो ट्रू, मतलब ये ट्रू नहीं है, मतलब रूट ट्रू रूट नहीं होगा, ना ट्रू स्टेम होगा, ना ट्रू लीफ होता है। क्लियर। अब ये जो प्लांट है जो ब्रायोफाइट्स है ये पाए कहाँ जाते हैं, तो हमने कहा ये ऐसे स्थान पे पाए जाते हैं, ठीक है, ऐसे स्थान पे पाए जाते हैं जहां पर वेट होगा, नमी होती है एंड सैडल, सैडल प्लेस पे पाया जाती है। सैडल मीन्स होता है छायादार स्थान, क्या होता है छायादार स्थान पर पाया जाती है। कहां पाए जाते हैं, जहां पे नमी होगी और छायादार स्थान होता है उसी स्थान पर जो है हमारा ब्रायोफाइट्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो ब्रायोफाइट्स है ये प्रथम फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल एंड इम्ब्रायो फाइट्स प्लांट। कहने का मतलब ये है कि ये प्रथम स्थलीय पौधे होते हैं जो हमारा ब्रायोफाइट्स है, प्रथम स्थलीय पौधा है और इम्ब्रियो जिनमें इम्ब्रियो बनता है वो भी प्रथम इम्ब्रोफाइट्स प्लांट होता है। इसके पहले जो है आपने एल्गी पढ़ा तो उसमें इम्ब्रायो का निर्माण नहीं होता है, लेकिन जो ब्रायोफाइट्स प्लांट होते हैं उनमें इम्ब्रियो का निर्माण होता है, इसलिए ऐसे प्लांट हम सब लोग क्या कहते हैं इम्ब्रायोफाइट्स कहते हैं, मतलब फर्स्ट इम्ब्रायोफाइट्स और प्रथम स्थलीय पौधा है। अब इन पौधों के समूह को हम सब लोग क्या कहते हैं, एक नाम दे दिया जाता है एम्फीबियंस प्लांट कहते हैं, एम्फीबियंस 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 प्लांट कहते हैं। अब इसका कहने का मतलब हिंदी में आप कह सकते हो उभय उभय चर पादप, उभयचर पादप एम्फीबियंस, एम्फी शब्द यहां पे लगा हुआ है या उभय शब्द लगा हुआ है, उभय का मतलब आप जानते हो कॉमन होता है या बोध कह सकते हो, एम्फी का मतलब बोध, ठीक है, मतलब जो हमारा ब्रायोफाइट्स प्लांट है ये स्थल पर तो पाया जाता है लेकिन जब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, किस टाइप का रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो इसको वाटर की या पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए ऐसे प्लांट ग्रुप को हम सब लोग क्या नाम देते हैं एम्फीबियंस प्लांट कहते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं, मतलब ये प्लांट जो है स्थल पे तो पाया जाता है लेकिन जब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए ऐसे प्लांट के समूह को हम सब लोग क्या नाम देते हैं एम्फीबियंस प्लांट कहते हैं या हिंदी में क्या कहते हैं उभयचर पौधा कहते हैं, ठीक। तो क्या है जब इनमें क्या होता है स्थल पे पाया जाता है, लैंड पे तो होंगे, ठीक है, बट वाटर रिक्वायर्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो है ये लैंड पे होंगे, लैंड का मतलब स्थल, ये स्थल में पाए जाते हैं, लेकिन इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो है वाटर की आवश्यकता होती है। इसलिए ऐसे प्लांट के समूह कौन से को क्या कहते हैं, उभयचर पौधा कहते हैं या एम्फीबियंस प्लांट कहते हैं। ठीक है, तो इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो मोबाइल से अगर आप पढ़ रहे हैं तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो इसका प्लांट बॉडी है। अगर हम बात करें प्लांट बॉडी मतलब इसका पौधा शरीर, तो हमने कहा कि जो प्लांट बॉडी है वो कैसे होते हैं, थायलस के रूप में होते हैं, थायलॉइड होते हैं, मीन्स थायलस रूट स्टेम और लीफ नहीं पाया जाती है। इनमें होता क्या है, ये जो मान लीजिए प्लांट है हमारा, ये मॉस के जैसे आपको दिखाई देता है, इसलिए इसको हम इस पौधे के समूह को क्या कहते हैं, मॉसेस भी कहते हैं। यहां पे होता क्या है, इनके जो वेंट्रल सरफेस होता है वहां पर क्या होता है, रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, रूट लाइक मतलब जड़ के समान जो है संरचना पाई जाती है। इस संरचना को नाम दिया जाता है राइजॉइड्स, क्या नाम देते हैं, राइजॉइड्स कहते हैं। ठीक, या हिंदी में क्या कहेंगे, मूलाभास कहते हैं, मूल के समान मूलाभास है। ठीक है, अब ये राइजॉइड्स का काम क्या होता है, अब आप जानते हो कि ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है तो रूट का काम क्या होता है, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, तो यही काम इसका भी होता है। ये क्या करता है कि किसी भी सब्सट्रेट या आधार से चिपका रहता है, उसी से जो है ये वाटर और मिनरल का अवशोषण करता है। तो फंक्शन क्या हो गया, अगर हम फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन क्या होगा, फंक्शन हो जाएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, ये जल और खनिज को जो है अवशोषण में हेल्प करता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मूलाभास होते हैं ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं कि मल्टीसेलुलर, मतलब एक सेल से बने होते हैं कि बहु कोशिकीय होते हैं, मतलब बहुत सारे सेल से बने होते हैं। तो जो राइजॉइड्स होता है ये मल्टीसेलुलर होती है। ठीक है, मतलब बहुकोशिकीय होती है, मूलाभास की जो नेचर होगा वो कैसा होगा, मल्टी सेलुलर होता है। ठीक, क्लियर। और एक काम करता है जो है एंकरेज का काम करता है, एंकरेज का मतलब ये सपोर्ट का काम करता है, मतलब किस आधार से चिपकने में भी ये सहायता करता है। अब यहां पे एक इकोलॉजिकल फंक्शन भी हो गया इसका, कि अगर आप जानते हो कि अगर ये मिट्टी से चिपका रहता है ब्रायोफाइट, तो इसका काम और क्या कर सकता है, तो अगर ये मिट्टी से चिपका रहता है तो आप देखते हो कि अगर कहीं पे घास लगा हुआ है उसको जड़ें आपस में जकड़ी हुई हैं, तो बारिश के समय वहां पर जो मिट्टी होती है वो बहती नहीं है। क्यों नहीं बहती है, क्योंकि जो रूट होता है उसको अपने आप में मिट्टी को बांधे रखता है। तो उसी प्रकार जो है जो हमारे राइजॉइड्स है
ये भी क्या करता है, चिपके रहने के कारण मृदा को जो है बहने नहीं देता है, जिसे आप क्या कहते हो मृदा अपरदन, मतलब मृदा के बहाव, जैसे बारिश हुआ पानी बह, पानी के साथ मिट्टी बह जाता है, वहां पे आप देखते हो अपने घर के आसपास बारिश हुई मिट्टी बह जाता है, ठीक है। अब आप क्या करिए, मिट्टी को अगर रोकना है बहने ना बहे तो वहां पे घास लगा दीजिए तो मिट्टी नहीं बहेगा। अगर मिट्टी बह जाता है तो उसको साइंस भाषा में नाम दिया जाता है मृदा अपरदन कहते हैं, मतलब मृदा का हान, मृदा अपरदन, ठीक है, लॉस ऑफ सॉइल को हम क्या नाम देंगे, मृदा अपरदन साइंस लैंग्वेज में कहते हैं, या देहाती भाषा में आप कह सकते हो मृदा बह गया मेरा, ठीक है। तो इनका जो फंक्शन हो गया यहाँ पे कि ये मृदा अपरदन या सॉइल इरोजन को क्या करता है, रोकता है। यहाँ पे फंक्शन आप समझ सकते हो कि ये क्या करेगा, मृदा अपरदन या मृदा के बहाव को रोकता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा, अब आगे देखते हैं। अब हम सब लोग देखेंगे इनका जो जननांग होता है वो किस प्रकार का होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। तो हम सब लोग एलजी पढ़ चुके हैं तो उससे कंपेयर भी करते रहेंगे। अब वहां पर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था, जो जननांग था, वन सेल से बना था, मीन्स यूनिसेलुलर था। लेकिन अगर हम ब्रायोफाइट्स की बात करेंगे तो जो ब्रायोफाइट्स प्लांट है इसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो मल्टीसेलुलर होता है। क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है। मल्टीसेलुलर का मतलब बहुकोशिकीय, बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एक बात और हमने वहां पे बताई थी कि वहां पर जो जननांग होते हैं वहां उन जननांगों के चारों तरफ कोई भी जैकेट लेयर नहीं पाई जाती है। यहां पर जो जननांग होंगे, यहां पे जो जननांग होगा उसके चारों तरफ जैकेट लेयर पाई जाती है। मान लीजिए ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है, ये मल्टी सेलुलर से बना हुआ है, चाहे नर मान लीजिए, नर जननांग को क्या कहते हैं, थ्रीडियम कहते हैं। अब इसके चारों तरफ जो है ऐसे लेयर पाए जाते हैं जो स्ट्राइल होती है, मतलब ये स्पोर बनाने में या सॉरी एंथ्रेडियम या एंथ्रोजॉइट बनाने में भाग नहीं लेती है। तो इस लेयर को हम सबको क्या नाम देते हैं, जैकेट, जैकेट लेयर कहते हैं। क्या नाम देंगे, जैकेट लेयर कहते हैं, या हिंदी कह सकते हो वाय चोल, चोल का मतलब आवरण। तो इसके चारों तरफ जो प्रोटेक्टिव लेयर पाई जाएगी, नॉन स्ट्राइल होता है, ये कैसा होगा, स्ट्राइल होगा, सॉरी स्ट्राइल स्टेराइल होता है, मतलब इससे जो है इन सेल से जो है एंथ्रोजॉइट्स का निर्माण नहीं होगा। जो सेंटर में सेल्स है उन्हीं सेल से जो है एंथ्रोजॉइट्स या मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये प्रोटेक्टिव लेयर हो गया, इसको हम क्या नाम देंगे, जैकेट लेयर कहते हैं या वाय चोल कहते हैं। आपने कहा कि जो एल्गी था वहां पर जैकेट लेयर नहीं था और उनका जननांग कैसा था, एक कोशिकीय था, यहां पे जननांग कैसा है, मल्टीसेलुलर है। अब देखिए, अब यहां जो जननांग होते हैं दो टाइप के जननांग है, एक होता है मेल नर जननांग, मेल री प्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, और जो दूसरा होता है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन, नर जननांग और मादा जननांग, मेल का मतलब नर और फीमेल का मतलब मादा।
तो जो हमारा यहाँ पे जो ब्रायोफाइट्स है इसके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को नाम दिया जाता है या नाम देते हैं एंथ्रीडियम कहते हैं, एंथ्रीडियम कहते हैं, क्या नाम देंगे, एंथ्रीडियम कहते हैं। और यहां पर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है इसको हम सब लोग क्या कहते हैं, आर्चीगोनियम कहते हैं, आर्चीगोनियम कहते हैं। ये फ्लास्क शेप होता है, फ्लास्क कैसा होता है, फ्लास्क शेप होगा। कहने का मतलब ये है जो फीमेल गैमेट है वो कैसा होगा, फ्लास्क शेप होता है, फ्लास्क शेप होगा। फ्लास्क का मतलब आप देखे होंगे केमिस्ट्री में, अगर आप क्रिटिकल किए होंगे कभी या केमिस्ट्री में पढ़े होंगे तो उसमें बताया जाता है फ्लास्क कैसा है, यहाँ पे फ्लास्क शेप है इस टाइप का। ये मैं फिगर यहां पे बना दे रहा हूं, ये ऐसे होता है, आपके चारों तरफ क्या है, जैकेट लेयर है ये। अब इसको हम सब लोग क्या कहते हैं, ये ट्यूब है और यहीं पे क्या होती है, ये वेंटर है, ये नेक है और ये क्या है, वेंटर पार्ट को कहते हैं, ठीक है। तो आर्चीगोनियम का जो शेप होता है, जो आकार होता है कैसा होता है, फ्लास्क शेप होता है, ठीक है। अभी आप यहां पे देख ही रहे हो, ये है आर्चीगोनियम बना हुआ है, तो आर्चीगोनियम आपको कैसा दिखाई दे रहा है, ग्लोबुलर शेप या गोलाकार आपको दिखाई देता है, ठीक है। इसके भी दो भाग होते हैं, इसको हम नाम देते हैं बॉडी और इसको क्या नाम देंगे, स्टार्क कहते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एंथ्रीडियम कहते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को आर्चीगोनियम कहते हैं। अब आप जानते हो कि ये मेल गैमेट बनाएगा, नर लेना है तो मेल गैमेट बनाएगा, तो यहां पर जो मेल गैमेट होता है उसको नाम दिया जाता है एंथ्रोजॉयट्स, और जो एंथ्रोजॉयट्स है ये इनमें दो फ्लेजला होता है, तो आप कह सकते हो बाई फ्लेजिलेटेड, बाई फ्लेजिलेटेड फ्लेजला है तो आप ये मोटाइल होगा, ये मोटाइल होता है, ठीक है, जिसमें फ्लेजला पाया जाएगा मींस मूव कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मोटाइल कह देंगे। ये जो आर्चीगोनियम है इससे बनता है फीमेल गैमेट जिसका नाम है एग, क्या नाम है, एग। और एग जो होता है ये नॉन मोटाइल होता है, मतलब ये मूव नहीं करता है, नॉन मोटाइल मींस अचल हो गया, मतलब चल नहीं सकता है। अब ये जो मेल गैमेट है और जो फीमेल गैमेट है ये मूव करते हुए जाएगा, कैसे जाता है, वाटर की आवश्यकता होगी, तो वाटर की जब आवश्यकता होती है तो ये हमारा जो वेंटर है मतलब आर्चीगोनियम है, यहाँ पे लिड होती है, टोपी जैसा ढक्कन होता है, यहाँ पे ये क्या करती है, कुछ सुगर प्लस म्यूसिलेज का श्रावण करती है, जिससे जो यहाँ पे जो मेल गैमेट है, ठीक है, वो मूव करते 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 यहां से आके चिपक जाएगा और धीरे धीरे नेक कैनाल से उसको डिजॉल्व करके कहां पहुंच जाएगा, एग के पास, कहां पहुंचेगा, एग के साथ पहुंचेगा और दोनों आपस में मिलेंगे। जब आपस में मिल जाते हैं तब आप कहते हो, तब उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, निषेचन कहते हैं। निषेचन के बाद क्या बनता है, जायगोट बनता है, और ये जायगोट जो
चेंज हो जाता है स्पोरोफाइट्स में, स्पोरोफाइट्स में चेंज होता है। स्पोरोफाइट्स का मतलब जो स्पोर को प्रोड्यूस करता है उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट्स कहते हैं, या जो स्पोर बनाता है उसको हम क्या कहेंगे, स्पोरोफाइट्स। फाइट्स लगा है मींस प्लांट, ऐसे प्लांट बॉडी जो स्पोर का निर्माण करता है उसको हम क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट्स कहते हैं। और ये जो स्पोरोफाइट्स होता है डिप्लॉयड होता है, ठीक है। अब इस स्पोरोफाइट्स में होता है मियोसिस डिवीजन, क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा, और मियोसिस डिवीजन के द्वारा जब स्पोर बनेंगे और ये जो स्पोर होते हैं ये जर्मिनेट करेंगे, जर्मिनेट का मतलब अंकुरित करेंगे, अंकुरित करके नए ब्रायोफाइट्स का निर्माण कर देते हैं, फॉर्म न्यू ब्रायोफाइट्स, ठीक। अब फिर से एक बार इसको देख लेते हैं, जनन ब्रायोफाइट्स का जनन कैसा होगा, फटाफट, मल्टीसेलुलर होता है और इन जननांग के चारों तरफ जैकेट लेयर प्रेजेंट होती है। दो टाइप के जननांग होंगे, एक नर जननांग, दूसरा मादा जननांग। नर जननांग को क्या कहते हैं, एंथ्रीडियम कहेंगे, क्या कहेंगे, एंथ्रीडियम कहते हैं। मादा जननांग या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या बोलेंगे, आर्जिगोनियम कहते हैं। आर्जिगोनियम का आकार कैसा होता है, फ्लास्क जैसा होता है, ठीक है। ये आर्जिगोनियम एक प्रोड्यूस करेगा जिसे आप क्या नाम देते हो, फीमेल गैमेट, नॉन मोटाइल होगा, मूव नहीं कर सकता है, जबकि एंथ्रीडियम मोटाइल गैमेट बनाएगा जिसे हम क्या कहते हैं, एंथ्रोजॉइट कहते हैं। ये कैसा होता है, बाइफिलेजेट होता है। अब कंडीशन क्या होती है कि यहाँ पे जो आर्जिगोनियम का लिड है, टोपी है, वहां से क्या होता है, आर्जिगोनियम कुछ सुगर प्लस म्यूसिलेज का श्रावण करती है, जिससे ये पानी की सतह में जो एंथ्रोजॉइट से तैरता हुआ कहां लिप से अटैच होगा और नेक कैनाल से होते हुए वेंटर में पहुंच जाएगा। वहां पे क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनेगा, जायगोट कन्वर्ट हो जाएगा स्पोरोफाइट प्लांट में, और स्पोरोफाइट्स के अंदर मियोसिस होगा, मियोसिस से जो है क्या बनेगा, स्पोर बनेगा, स्पोर जो है अंकुरित होकर नए ब्रायोफाइट्स का निर्माण कर देगा, ठीक है। तो ये जो लाइफ साइकिल आप इसको बोल सकते हो, या ब्रायोफाइट्स पौधे का जीवन चक्र भी आप कह सकते हो। इसी जीवन चक्र को जो है बाई लेवलिंग डायग्राम के द्वारा आप बना सकते हो कॉपी में, तो इसको आप नोट आउट कर लीजिए, और अगर आप मोबाइल से पढ़ रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब कुछ टर्म है यहाँ पे जो स्टार्टिंग में मुझे बताना चाहिए था, जैसे हमने कहा था कि जो सवाल है, सवाल के अध्ययन को सब लोग क्या कहते हैं, सवाल विज्ञान बोलेंगे। तो अगर यहाँ पे पूछा जाए बताओ कि ब्रायोफाइट पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो सिंपल सा आंसर है, क्या नाम देंगे, ब्रायोफाइट विज्ञान कहते हैं, या इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्रायोलॉजी कहते हैं। क्या नाम देंगे, ब्रायोलॉजी। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स प्लांट, ब्रायोफाइट्स पौधे के अध्ययन को क्या कहते हैं, ब्रायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे, ब्रायोलॉजी या ब्रायोफाइट्स विज्ञान कहते हैं। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसके जनक कौन है, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी, तो किसको कहा जाता है, हेडविग को कहा जाता है, हेडविग को कहा जाएगा। अगर पूछा जाए कि फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, इंडियन
फादर ऑफ ब्रायोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन, फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। तो आप जानते हो डॉक्टर या शिव राम कश्यप, शिव राम कश्यप को कहा जाता है, शिव राम कश्यप को बोला जाता है, ठीक है। और एक पॉइंट और छूट गया है कि जो एल्गी है, एल्गी प्लस ब्रायोफाइट जो पौधे होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, गैमेटोफाइट्स होते हैं, गैमेटोफाइट्स होते हैं। जो गैमेट फॉर्म करेंगे उसको क्या कहेंगे, गैमेटोफाइट्स कहते हैं, और जो जो स्ट्रक्चर स्पोर बनाएगा उसको हम क्या नाम देते हैं, स्पोरोफाइट्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको जो पढ़ना है वो होमवर्क रहेगा, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। पहला इंपॉर्टेंट हमने बता दिया कि मृदा अपरदन का या मृदा अपरदन को ये रोकता है। फिर पढ़ेंगे कुछ शाकाहारी हैं, मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, अदर एनिमल्स हैं जो भोजन के रूप में ब्रायोफाइट्स को लेते हैं। एक पौधा है स्फैग्नम, स्फैग्नम से जो है पीट प्रदान होता है जो हम सब लोग ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। फिर बहुत सारे ब्रायोफाइट्स जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पाए जाती है, मतलब ये जल को जो है अपने अंदर कई दिनों तक रोक सकते हैं। इसलिए जो है जैसे मान लीजिए कहीं दूर पौधे को लेकर जाना है तो उसी पौधे में क्या करते हैं, या ब्रायोफाइट्स में इसको लपेट लेते हैं, जिससे पौधा सूखने नहीं हो पाता है, मतलब ट्रांसपीरेशन को ये रोक देता है। बहुत सारे मॉसेस लाइकेन्स हैं जो राख पर ग्रो करते हैं, जिससे उनका वहां पे डीके होंगे, और जब डीके होते हैं सॉयल का निर्माण होता है, ये भी आप लिख देंगे। फिर कुछ ऐसे हैं जो ब्रायोफाइट्स, ठीक है, जो हमने लास्ट में बता दिया कि मृदा अपरदन को रोकते हैं। फिर हमको जो पढ़ना है, एक दो पॉइंट शुरुआत में और लिखा है कि इन्हें मॉसेस और लीवरवर्ट्स भी कहते हैं, जो हिल और मॉइस्ट सेटेड प्लेस पे पाए जाती हैं। जितना कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर हमारा दो ब्रायोफाइट्स हमको पढ़ना है, लीवरवर्ट्स और जो है मॉसेस।